इस वीडियो के अंदर आपको दो तीन प्रकार की डिजाइन देखने को मिलेंगी, और उसके बाद में इसका जो सोफा सेट रहता है कॉर्नर में वो फिटिंग किया हुआ है, तो उसका एक डिजाइन देखने को मिलेगा। वॉल के अंदर जो लाइट फिटिंग रहता है लाइटिंग का डिजाइन देखने को मिलेगा। पोर्सलिन जो रहती है पोर्सलिन का डिजाइन देखने को मिलेगा, और साथ ही में जो टेबल रहती है और काउंटर टॉप रहता है उसका डिजाइन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको टीवी कैबिनेट जो रहता है उसका डिजाइन बता देता हूँ। फर्नीचर में जो इंटीरियर किया हुआ है इसका कंप्लीट यहाँ से हो जाता है स्टार्ट। इसका जो टीवी कैबिनेट रहता है वो इसके ऊपर वाइट जो देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर वाइट पत्थर भी लगा सकते हैं। वाइट इसके ऊपर अभी जो देख रहे हैं सलमाइका लगाई हुई है। वाइट ग्रेनाइट आता है तो वो ग्रेनाइट भी फिटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ये नीचे फिर इसके अंदर ड्रॉअर सिस्टम है, तो ऊपर इसमें टीवी का बॉक्स आ जाता है और ऊपर फिर टीवी इसमें फिटिंग किया हुआ है, और टीवी के पीछे की जो डिजाइन रहती है वो देख सकते हैं। ये पूरा फर्नीचर का डिजाइन देख सकते हैं इंटीरियर के हिसाब से। अभी बताता हूँ आपको मैं जो कॉर्नर सोफा रहता है वो सोफे की डिजाइन। इधर आ जाता है फिर एक टेबल, डाइनिंग टेबल भी बोल सकते हैं, ये तरीके से बना सकते हैं टेबल। और अभी इसमें है कॉर्नर सोफा जिसकी डिजाइन देख सकते हैं आप। यहाँ से स्टार्ट होता है, काफ़ी अच्छा लंबा कॉर्नर सोफा है। दो कलर में कॉम्बिनेशन इसका कपड़ा, दो कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है इसमें। ये कॉर्नर सोफा आ जाता है यहाँ पे। अभी इसका वॉल का थोड़ा सा डिजाइन देख सकते हैं इंटीरियर का, जो फर्नीचर होता है फर्नीचर में पूरा किया हुआ है। उसके बाद में इसमें पीछे लाइटिंग का फिटिंग किया हुआ है। ये हो जाता है कॉर्नर सोफा डिजाइन। और उधर पीछे थोड़ा सा फ्लिम जो आती है रेडीमेड वो इसमें फिटिंग कर दिया है। और अभी देख सकते हैं इसका कॉर्नर का डिजाइन कैसा लिया हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये डिजाइन भी। तो पूरा फर्नीचर के अंदर बनाया हुआ है, और बाद में इसके पीछे से लाइटिंग लगा दिया है कंप्लीट। कॉर्नर में ये तरीके से भी बना सकते हैं, जो फ्रंट हॉल रहता है हॉल या फिर जो आपका होटल है तो ये होटल के हिसाब से भी फिटिंग कर सकते हैं, ये तरीके से बना सकते हैं। होटल के अंदर भी जो फ्रंट हॉल रहता है वेटिंग जो एरिया रहता है वहाँ पे ले सकते हैं ये तरीके से आप। अभी इसका जो पोर्सलिन का डिजाइन है वो बता देता हूँ आपको, और बाद में आपको काउंटर का जो डिजाइन है वो बता देता हूँ। ये इसका ऊपर का पोर्सलिन का डिजाइन। अभी इधर देख सकते हैं पीओपी जो रहती है पीओपी का डिजाइन। और इधर से आ जाता है फिर पिलर्स, फर्नीचर के अंदर जो पिलर्स फिटिंग किया हुआ है। ये पूरा फर्नीचर में ही बनाया हुआ है, और सामने आ जाता है काउंटर। ये तरीके से आप एक डिजाइन एडजस्ट कर सकते हैं फर्नीचर में, बना सकते हैं। एक वीडियो के जरिए आपको मैंने आइडिया दिया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ऐसे ही आइडिया आगे आते रहेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थोड़ा सा आपको पास से बता देता हूँ, ये जो देख रहे हैं ये पूरा फ्लोरिंग में भी वही सलमाई का ही लगाया हुआ है, लकड़ी का ही है पूरा, ये वुडन फ्लोर बोलते हैं तो वो फ्लोर इसमें किया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे आ जाता है ये एक काउंटर जो बोलते हैं वो,
इधर से आ जाता है स्टेयर्स। और ये पिलर्स का डिज़ाइन है यहाँ पर इसका, चारों तरफ से सेम ही ऐसा डिज़ाइन लिया हुआ है इसको। और ये काउंटर के साइड में डिज़ाइन लिया हुआ है कुछ। ये रेडीमेड मिलती है अपने को, जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन ऐसे रेडीमेड मिल जाती है। और ये काउंटर के पीछे का डिज़ाइन, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये POP का डिज़ाइन है इसका। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।